आज हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मापन और मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन में पहला टर्म पढ़ लेते हैं समय, क्योंकि लगातार लोग कहते हैं समय पढ़ाइए समय पढ़ाइए, तो समय पे आते हैं। समय में पहले घड़ी आते हैं। यूपी टेट में तो घड़ी एक अध्याय जुड़े जाता है, यहाँ तक लिखित परीक्षा में एक अध्याय एक चैप्टर ही आपका घड़ी है। अरे गोला सही नहीं बना है, माना घड़ी है, क्या करेंगे। और यूपी टीटी में सुपर टीटी में, सुपर टीटी में एक अध्याय ही दे दिया है घड़ी के रूप में। तो पहले आते हैं घड़ी के बात में बात करते हैं। घड़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है एनालॉग, दूसरी होती है डिजिटल। एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। लेकिन अगर प्राथमिक के यूपी टेट की बात सीटेट की बात करें तो वहाँ पे जो घड़ी का पोर्शन या घड़ी के जो अध्याय होते हैं, वो जो घड़ी के अध्याय हैं वो हमें एनालॉग डिजिटल दोनों तरीके से पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा ये पढ़ना है कि एक अध्यापक होने के नाते आप बालकों को समय किस लिए पढ़ाएंगे, समय का क्या उद्देश्य है पढ़ाने का, और समय किस लिए पढ़ाया जाता है, ये सभी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए एक एक क्रम से हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ते चलते हैं। तो वैसे जैसा कि हम लोग जो घड़ी जानते हैं उसमें कितने हावर्स होते हैं, कितने होते हैं 12 हावर्स होते हैं, कितने होते हैं पूछिए। वैसे तो हमारे लिए जो प्रचलन है वो हम लोग करते हैं एनालॉग से। एनालॉग माने सुई वाली होती है, डिजिटल माने जो मोबाइल पे देखते हैं इतना बज कितना मिनट होता है, वो डिजिटल क्लॉक कहलाती है। तो घड़ी दो प्रकार की होती है, एनालॉग और डिजिटल। लेकिन अगर हम अतीत काल में जाएं तो घड़ियां कैसी होती थी, बालू घड़ी, आपने सैंड क्लॉक देखा होगा, बालू होते थे, जब तक बालू खत्म हो जाता था फिर पलटते थे, तो वो घड़ियां चलती थी। फिर जयपुर में आप जाके देखेंगे सूर्य के किरणों से भी निकाला जाता था कितना समय हो रहा है, तो उन समयों को भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक ठीक आगे बढ़े, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब घड़ी दो प्रकार बजाती है, एक एक से लेके 12, ठीक, फिर 12 से लेके फिर एक तक आती है, ठीक, एक से लेके 12 क्या 11 तक, इस तरह से बजाती है 12 से एक फिर 12 से 11। अभी देखते हैं कैसे बजाती है, इसके बारे में पूरा देखेंगे। फिर ये देखते हैं कि एक से लेकर एक 24 तक बजाती है, लेकिन इसमें जो होता है वो AM एंड PM के कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे AM और PM के कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं एक घंटा बराबर कितना होता है, घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इसे शॉर्टकट में लिखते हैं, देखिएगा इस तरह से लिख के एक डैश दे दिया, इसका मतलब ही होता है 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद कला विकला होता है, एक कला में कितना विकला, एक सेकंड में कितना कला, फिर एक कला में कितना विकला, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग को पढ़ना है सीटेट लेवल का, ये आप पहले से ही जानते थे। इस समय में एक चीज़ और जुड़ जाता है जो हम लोग को पढ़ना है, पढ़ना क्या है, वर्ष पढ़ना है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, कौन सा होता है साधारण वर्ष, इसे कहते हैं सौर वर्ष, इसे साधारण वर्ष या सौर वर्ष कहते हैं। इसमें 365 दिन होता है, कितना दिन होता है 365 दिन होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे होता है लीप वर्ष, इसे अधिवर्ष भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अधिवर्ष कहते हैं, इसमें 366 दिन होता है। क्योंकि वास्तव में एक वर्ष में 365 दिन लगभग 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे जुड़कर जो चौथा साल होता है वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष साधारण वर्ष हम जानते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं साधारण वर्ष किसे कहते हैं, इसे हम सौर वर्ष भी कहते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दें ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े तो वो लोग भी जुड़े, क्योंकि काफ़ी लोग ये पढ़ना चाह रहे थे, कई दिनों से पढ़ना चाह रहे थे। ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष की पहचान आप जानते हैं, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं वे सभी लीप वर्ष कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी को लीप शताब्दी वर्ष निकालना हो तो वह लीप शताब्दी वर्ष के लिए जो वर्ष 400 से विभाजित होते हैं वो क्या होता है, वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें 1728, इसका फरवरी कितने दिन का होगा, माने जो लीप वर्ष से अधिवर्ष होता है उसका फरवरी 29 दिन का होता है।
ठीक, तो ये बताइए 1728 का जो फरवरी है वो कितने दिन का होगा, क्योंकि चार से डिवाइड हो जाएगा, जब ये चार से डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अगर ये 1728 यदि चार से डिवाइड हो जाएगा, चार से विभाजित हो जाएगा, इसे कौन सा वर्ष कहेंगे, इसे हम लीप वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम लीप वर्ष कहेंगे। अगर चार से डिवाइड नहीं होता इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल वर्ष कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, लीप वर्ष है। एक प्रश्न हम आपसे देते हैं और फिर वहां से वो सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो विवादित प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 1500, 1600, 1700, 1800 निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, 1500, 1600, 1700 निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, क्यों, तो ये भी चार से कट जाएगा, ये भी चार से विभाज्यता का नियम है, यदि इकाई दहाई से बनने वाली संख्या चार से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी क्या होगी, चार से विभाजित हो जाएगी, या इकाई और दहाई के स्थान पर जीरो जीरो हो तो संख्या भी चार से विभाजित हो जाएगी, ये भी चार से कट जाएगी, यह भी चार से कट जाएगी, यह भी चार से कट जाएगी, यह भी चार से कट जाएगी। तो क्या सभी लीप वर्ष हैं, क्या सभी लीप वर्ष हैं, उसके लिए शर्त है छोटी सी। जब शताब्दी वर्ष की बात करता है, जब दो जीरो की बात होता है, जहां पे दो जीरो होता है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम देखते हैं कि वह सन 400 से विभाजित होना चाहिए। अगर ली शताब्दी वर्ष अगर 400 से डिवाइड होगा तो वही लीप वर्ष कहलाएगा। तो 1600 क्या है, ये 400 से भी कट जाएगा, और कोई विकल्प 400 से नहीं कटेगा, इसलिए जो विकल्प सही होगा वो कितना होगा आपका, 1600। क्या होगा, 1600। इसलिए जो लीप वर्ष का सही उत्तर है वो होगा 1600। ठीक, क्योंकि 400 से कट जाएगा। और लीप शताब्दी वर्ष का ट्रिक भी है, आप लोग जानते रहिएगा, 400, 800वां वर्ष, 1200वां वर्ष, 1600वां, 2000, 2400, ये सब लीप वर्ष है, ये सब क्या है, लीप वर्ष है। 400, 800, 1200, 1600, 2000 सब क्या है, लीप वर्ष है। देख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400, सभी क्या है, लीप वर्ष है। इसके इतर अगर 2500 आया, 2300 आया, 2200 आया, वो 400 कट जाएंगे, लेकिन 400 से नहीं कटेंगे, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं होंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है तक। क्या साफ नहीं दिख रहा है आप लोग को, तो बस हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि एक साल में 365 दिन होते हैं उसे सौर वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे लीप वर्ष से अधिवर्ष कहते हैं, उसमें 366 दिन होता है। ठीक, आगे बढ़ रहे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के भी नाम आप जानते हैं। ठीक, पहला दिन जो होता है सोमवार शुरू होता है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर रविवार। ठीक, इस प्रकार के 7 दिन होते हैं, और एक महीना में 4 सप्ताह का पहला दिन अगर हम देखें, अगर अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर, सोमवार होता है। ठीक, लेकिन वह हम लोग जब कैलेंडर पढ़ेंगे, जब हम लोग यूपी टेट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक हफ्ता में लगभग 4 या 5 संडे, मंडे, कोई भी दिन पड़ सकता है, 4 या 5 अधिकतम। एक साल में अगर पूछा जाए तो लगभग 52 हफ्ते सप्ताह पड़ते हैं, इसमें 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूजडे, इस तरह से आते हैं। ठीक है, इस समय में आया कॉन्सेप्ट, चलिए और आगे आते हैं। अब कुछ लॉजिकल चीज़ को समझते हैं, उस बात को ध्यान से समझिएगा, शायद आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगर जैसे घड़ी चल रही है, अगर वहाँ पे एएम पीएम के प्रश्न कैसे पूछेगा परीक्षा में, उसको बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दे दिया 7 बजे से लेके 14 बजे तक कितना हावर्स होगा, माने राम अपने घर से 7 बजे चलता है और 14 बजे पहुँचा है, तो वहाँ पे अगर एएम पीएम नहीं दिया तो वहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, रात 12 से दिन के 12 तक को क्या कहते हैं, एएम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रात के 12 से दिन के 12 को क्या कहते हैं, एएम कहते हैं। ठीक, फिर
दिन के 12 से रात के 3 PM कहते हैं। 12 PM के बाद अगला दिन प्रारंभ हो जाता है, जानते रहिएगा। 12 PM के बाद अगला दिन प्रारंभ हो जाता है, 12 PM के बाद तुरंत AM हो जाएगा और रात 12 के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। जैसे आज 13 तारीख है, 14 तारीख हो जाएगा, मैंने तारीख अगली हो जाती है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है, चलिए ठीक। मैडम इसको समझ लिया आपने? एक बात इसी में ध्यान से देखिएगा, अगर दिन के 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक कुल कई घंटे होंगे? 12 घंटे। कितने होंगे? आज 7:30 से कल के 4:30 तक कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। सेम उसी टाइम अगर जाते हैं तो 24 क्या होता है? 24 आवर। आज के टाइम जैसे आज 4:30 बज रहे हैं, कल 4:30 बजे, माने आज 4:30 PM से कल 4:30 PM कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। और आज 4:30 से सुबह के 4:30, माने 1 AM से 1 PM अगर जाते हैं उसी समय तो 12 घंटे होते हैं, और AM से AM या PM से PM जाते हैं तो कितना होता है? 24 घंटे का समय होता है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? चलिए समझ में आ गया ना। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगर 7 बजे से 14 बजे तक दिया है ये कैसे मानेंगे इसमें कौन AM है कौन PM है? इसके लिए खासा आसान तरीका है, आप लोग समझ सकते हैं। वो क्या है कि जब 14:12 से प्लस की बात करता है इसका मतलब वो PM में जा रहा है, और ये आंकड़ा किसमें है? AM में। ये क्या है? और ये PM में है, तो ये हो जाएगा 7:00 AM। ये 14 माने 12 के बाद, 13, 14 इसे लिख सकते हैं ये 2 PM। ये अपने आप से समझने वाली बात है, क्योंकि CTET की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ये पर्यावरण में भी पूछा है और यह सेम चीजें गणित में भी है आपके CTET में। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन लिखेगा, मोहन अपने घर से प्रातः 6:40 पर, मोहन अपने घर से प्रातः 6:40 से विद्यालय के लिए चला। और वो विद्यालय से AM पर वापस घर आ जाता है। 10:40 AM पर वो घर वापस आ जाता है। तो बताइए कि मोहन ने घर वापस आने में कुल कितना समय लिया? इसके बाद क्वेश्चन को कड़ा कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा हल्का बोले ताकि आप समझते रहे कॉन्सेप्ट। 4 घंटे उसने लिया। कैसे लिया इसको समझ लेते हैं एक बार। आप देखिए क्या रहा है, मोहन प्रातः 6:40। प्रातः क्या होगा? AM, क्योंकि मैंने बताया था कि दिन के 12 से रात के 12, दिन के 12 से रात के 12 क्या होते हैं? PM होते हैं। और रात के 12 से
दिन के 12 एएम होते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रात 12 से दिन 12 एएम चलता है, दिन 12 से रात 12 पीएम चलता है, और पीएम के बाद जब एएम होता है तो दिन तारीख अगला हो जाता है। तो 6:40 से बढ़ रहे हैं, देखिए बहुत लॉजिकल सिखाओ, धीरे धीरे सिखाऊंगा ताकि आप आते आते पूरी तरह से जान जाएंगे। 6:40 से 10:40, तो 6:40 से 7:40 एक घंटे, 7:40 से 8:40 दो घंटे, 8:40 से 9:40 तीन घंटे, और 9:40 से 10:40 कितने हो गए, चार घंटे। उसने अपनी यात्रा में कुल कितना समय लिया, 4 घंटे का समय घटा भी सकते थे, 0 0 10 में 6 गया, अच्छा 4 आवर्स का समय लिया। अगला क्वेश्चन, खड़े करें क्वेश्चन, क्या नाम है आपका, चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा सुचिता जौनपुर से सायंक या शाम को 4:38 लखनऊ के लिए रवाना हुई। तथा वह अपने गंतव्य पर रात 11:52 अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो यात्रा में लगा कुल समय बताएं। आप लोग बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 7 घंटे 14 मिनट, चलिए जवाब आ गया यहाँ से, आप लोग बताएं। 7 घंटे 14 मिनट, सत्यम चौरसिया जी का भी जवाब सही रहा, आप सभी लोग बताइए। देखिए इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका, इसको दो तरीके हैं। हाँ, अभी देखिए लिखने का तरीका सबसे सही किनका था, क्या था नाम है उनका, हेमलता कुमारी जी, इन्होंने एकदम सही तरीके से लिखा है। ज्योति मदनवाल जी, जी आपका भी सही था। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था, कि क्या नाम था, सुचिता 4:38 से जौनपुर से, ये शाम था तो हो जाएगा पीएम, कहाँ चली, लखनऊ के लिए। लखनऊ कितने बजे पहुँचा हूँ, 11:52 शाम को पहुँची है, तो पीएम रात्रि मैंने पीएम हो गया। ठीक, अब दो तरीके हैं, डायरेक्ट इसको घटा देते हैं, 11:52 से 4:38 पहले, ये तो तरीका भी जान लीजिएगा। ये तरीका टफ है लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जबकि मैं इस तरह तरीके से पढ़ाता नहीं, आपका समय बच जाता है। 2 में से 8 जाएगा, कितना होगा, हाँ उधार आगत क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, अच्छा यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 7 घंटा 14 मिनट। ठीक, दूसरा तरीका को ध्यान समझिएगा, 4:38 में चली है तो 4:38 से लेके ऐसे उंगली पे जोड़ लिया करिए, अगर कम समय है तब 4:38 से 5:38, 6:38 तो 4 बज गया, 5 6 7 8 9 10 11, माने 11:38 तक कुल का घंटा हुआ 7 घंटा, 11:38 तक 7 घंटा। 38 से कहाँ जाना है अब, 52, तो 38 मिनट से 52 मिनट जाएंगे, कई मिनट बचा, 14 मिनट, तो 7 घंटे 14 मिनट कितने हो गए, 7 घंटे 14, तो इसका होगा 7 आवर्स 14 मिनट। ठीक, क्वेश्चन बोले अगला क्वेश्चन बोला जाए, तो लिखिएगा, रहीम सोमवार को
सात जुलाई रविवार को रहीम, सात जुलाई रविवार को दिल्ली के लिए, जौनपुर से दिल्ली के लिए कितना बजा, 4:27 को चला। तथा वो अपने गंतव्य पर गंतव्य पर अगले दिन सायं 4:48 पर पहुंचा। 48 मिनट पर पहुंचा तो यात्रा में लगा कुल समय क्या होगा? तो रहीम को यात्रा में लगा कुल समय क्या होगा? 24 हेमलता का आंसर सही है और कौन गुप्ता जी उनका भी जवाब सही है। सही है जवाब आप लोग का, आप लोग एक बार, हाँ 24:21 लगाते रहिए आप लोग। देखिए रहीम जौनपुर से दिल्ली के लिए कब चला था? वो चला था 7 जुलाई को, रविवार को चला था। ध्यान दिया अगला उसमें दिन भी दिया रहेगा तो फिर दिन से कैसे साल्व करेंगे। चला 4:27 पर, ठीक। पहुंचा कब? 4:48 अगले दिन पहुंचा। ये 7 जुलाई था, ये 8 जुलाई को पहुंचा, ये संडे था और ये मंडे, माने संडे को चला मंडे को पहुंचा। कॉन्सेप्ट के लिए इतना, ठीक। इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, एकदम लॉजिकल तरीका, तुरंत आप लगा लेंगे। आज 4:27 पे चला, कल 4:27 पे जब सेम पहुंचता है, पीएम से पीएम या एएम से एएम सेम टाइम पे पहुंचता है तो 24 घंटे होते हैं, ठीक। और एएम से पीएम में पीएम से एएम जाता तो 12 घंटे होते हैं, तो पीएम से पीएम पहुंचे 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे हो गए 4:27 पे, तो 48 मिनट से जाना है, 27 48 कितना ज्यादा, 21 मिनट, तो हो जाएगा 4:21, ठीक। अब थोड़ा सा और कड़े करें, थोड़ा सा और कड़ा करें, सॉरी 24 घंटा सारी लिख दिया हम, 24 घंटा 21 मिनट, मानवीय त्रुटि है थोड़ी बहुत, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करेंगे, चलिए ना शेयर करिएगा, कोई बात नहीं। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी दुर्गेश जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज इलेनी दुर्गेश, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, इलेनी दुर्गेश तिरंगा लोगो लगा, अभी लोगो भी चेंज होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज लेक्चर एक क्रम से मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, और ऑनलाइन क्लासेज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा। तो ये हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब थोड़े से और कड़े करें, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्या नाम है, चलिए लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा।
रोमी जौनपुर से गुजरात के लिए, रोमी जौनपुर से गुजरात के लिए रविवार को, रविवार 10:38 PM पर, 10:38 PM पर ट्रेन से चली, और वह मंगलवार दो बजकर 23 AM पर अपने गंतव्य पर पहुंचे। संडे को चली थी और ट्यूजडे को पहुंची। यात्रा में लगा कुल समय होगा, तो यात्रा में लगा कुल समय होगा, तो यात्रा में लगा कुल समय होगा 11:38 रोमी संडे को 10:38 पे जौनपुर से गुजरात के लिए प्रस्थान करती है। वह ट्रेन पे 10:38 पे चलती है। वह गुजरात के अपने गंतव्य पर ट्यूजडे को 2:23 AM पर पहुंच जाती है। तो इस यात्रा में लगा कुल समय क्या होगा? हाँ, क्या घंटे? थोड़े से कड़े प्रश्न हैं, ज्यादा कड़े नहीं है, थोड़े से कड़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं। हाँ, संडे को चला, मंगलवार को पहुंचा। संडे को चला है, मंगलवार को पहुंचा है। बताइए आप लोग, और प्रयास करिएगा इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए आपके वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप होंगे। अगर अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो 6306344367 पर 28:15 ठीक। आप लोग बताइए, नहीं बता पाएंगे तो हम तो है ही बताने के लिए, एक प्रयास तो करिए आप लोग। खूब ध्यान से समझिएगा, संडे को 10:38 PM पे चला, तो संडे से मंडे 10:38 तक 24 घंटे हो गए। क्लियर यहां तक? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, अब ध्यान देते हैं। 10:38 से 11:38 एक घंटे, अच्छा 11:38 से जब 12:38 जाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। ये हो जाएगा, ये हो गया 10:38 के बाद 11:38, 12:38, 24 घंटे तो हो चुके थे, 24 घंटे हो गए थे, फिर ये 24 घंटे हो गए 10:38 पे, फिर 11:38, 12:38 अगला दिन, यहीं से मंगलवार शुरू हो गया, ठीक। फिर 1:38, फिर आगे जाएंगे तो अगला जो है वो बच जाएगा 2:38, लेकिन पूरा 2:38 जाएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, कमी आना है, कितना कम आना है? तो पता चला 1:38 जाएंगे तो क्या घंटा कम है, क्या मिनट, 15 मिनट कम है, तो इस घंटे में अगर 15 मिनट कम करेंगे कितना हो जाएगा, 45 मिनट, तो कुल क्या घंटा हुआ, 24, 25, 26 और 27, तो 27 घंटा 45 मिनट, ठीक। समझ में आया कैसे? एक बार लिख लीजिए, पुनः मैं एक बार समझाता हूं, और आप शेयर कर देंगे वीडियो लिंक को, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
अगर टेलीग्राम एडिट नहीं हो रहा है तो सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, DURGESHSIR, इलानी में दुर्गेश आ जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार सॉल्व करिए, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, एक बार खूब ध्यान से समझ तो लीजिए आप, ठीक। रोमी जौनपुर से गुजरात के लिए 10:38 पे रविवार को प्रस्थान करती है, फिर वह अपने गंतव्य स्थान पर मंगलवार 2:23 AM पर पहुंच जाती है। इस यात्रा में लगा कुल समय होगा, ध्यान से सुनिएगा, आज संडे को 10:38 PM से लेके मंडे को 10:38 PM तक कुल कै घंटा होगा, 24 घंटा लिख दीजिए। 10:38 से 11:38 एक घंटा, 11:38 से 12:38 अगला दिन मंगलवार आ गया, अभी और आगे जाना है, 12:38 से 1:38 के बाद अगर हम 2:38 AM पर आते तो हमें 2:38 जाते तो एक घंटा जुड़ता, एक घंटा मीन्स 60 मिनट जुड़ता ना, लेकिन जुड़ना कितना था, पूरा जाना नहीं था, 23 तक जाना था, कई मिनट कम जाना था, 15 मिनट कम, तो 15 मिनट हमने घटा दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, यहां तक कई घंटा हो गया आपका, 24, 25, 26, 27 घंटे हो गए, ठीक। ये बच गया 1:38, अभी कितना जाना है, 38 में कितना जोड़ दे कि ये 2 बच जाए, 38 में कितना जोड़ दे कि 2 बच जाए, 38 में कितना, 22 मिनट, फिर अभी कितना और जाना है, 23 मिनट और, तो 22 + 23 45 मिनट, तो 27 घंटा 45 मिनट। दो तरीका हो गया आपका, एक तो घटा के, एक जोड़कर, ठीक। औसत चाल पूछेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या हो बेहिचक पूछेगा, हम बताएंगे। और ये प्रयास करिए इस वीडियो लिंक को शेयर कर दिए ताकि सभी तक पहुंच जाए, ये मेहनत का प्रतिफल जो है सभी के हाथों तक पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, एक बार इसको वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, उसके बाद दोबारा इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको समस्या हो गई हो। अच्छा, शेयर करेंगे आप लोग अपने ग्रुपों में, 1 से 2 बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है और लोग को मिल जाए। नहीं, अगर सीटेट क्वालिफाई, दोबारा सीटेट दे सकते हैं, खुद क्वालिफाई है तब भी सीटेट देने जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े, हम दोनों पेपर क्वालिफाई फिर दोनों दे जा रहे हैं। विवेकानंद जी हम रोज आते हैं, आप ही नहीं दिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अब हो गया इस टाइप का, अब थोड़ा चेंज करें टॉपिक, अब हम बोलेंगे औसत चाल का प्रश्न, ठीक। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, कड़े बोले सर, चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं, सरल लिखेंगे, लिखेगा राम शुक्रवार शाम 4:12 पर, शुक्रवार शाम 4:12 पर जौनपुर से बंगलोर की तरफ गया, इस यात्रा में राम को कुल 33 घंटे 17 मिनट लगे, 33 घंटे 17 मिनट लगे तो बताइए राम अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे या कब पहुंचा, राम अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगा, ठीक। और ये प्राइमरी लेवल का है,
और ये आपके CTT में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन UPTT में भी ये काफ़ी हितकर और लाभदायक होगा। सुपर TT में कि गणित जो होता है हर कंपटीशन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, और CTET की गणित जो होती है पूरी तरह से बेसिक होती है, और CTET की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपको जुड़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेहतर फैकल्टीज है जो आपको एक सफलता तक पहुँचा सकती है। 4 महीने का एग्जाम है, और आप जानते हैं हमारी मैराथन क्लास ऐसी है कि हम 10 दिन में संपूर्ण सिलेबस खत्म कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी का 4 महीना अहम देंगे तो हम आपको कहां तक पहुंचा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, और उम्मीद करिएगा इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप जौनपुर आके पढ़ना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम, रोडवेज के पास में ही शहर में टीडी गला गेट के पास है, और जो जौनपुर के लोग अगर जुड़े हुए तो भी पढ़ सकते हैं आके। और सिराज हिंद की धरती, अपर प्राइमरी में भी काम करेगा भैया, क्योंकि ये सिलेबस एकदम मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। अब हमसे कितनी मैराथन पूछने जगह खुद जाके मेरे चैनल पे लेने भी दुर्गेश सर्च करके देख लीजिए कितनी मैराथन क्लास हुई है। एक ज्यामिति की करानी बाकी है और एक यहाँ इसकी बाकी है, आज ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रविवार को पूरा दिन हम पैगोलॉजी पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट और इसकी दोनों की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी साथ रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा, सबसे ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी आप सबके लिए। कुछ लोग बता रहे हैं संडे, कुछ सटाटे बता रहे हैं 29, कुछ संडे बता रहे हैं 1:05, पता नहीं कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए सॉल्व करिए आप लोग, चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू किया जाए कथा प्रवचन। चलिए, कितना था, क्या नाम था, राम था, राम शुक्रवार को, शुक्रवार माने फ्राइडे को, राम कितने बजे, 4:12 PM पर बंगलुरु के लिए रवाना हुआ, जौनपुर से बंगलुरु की तरफ चला, कहीं से गया, लेकिन वो पहुंचने में उसे गंतव्य तक कितना समय लगा, 33 hours and 17 minutes का समय लगा। ठीक, तो इसमें 33 मिनट पहले जोड़ते हैं, क्या करेंगे इसको, समय को जोड़ेंगे ना भैया, अब चले हैं तब पहुंचे इतना देर बाद, तो अगर इसमें 24 घंटा जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए पहले कुल 24 घंटा जोड़ेंगे, तो ये चार, ये फ्राइडे से क्या हो जाएगा, सैटरडे, 4:12 PM सैटरडे हो गया, 24 घंटे हो गए। ठीक, अब जोड़ना है, अब इसको रात्रि 12 तक ले जाएंगे, तो 4 बज रहा है, 8 घंटे और ले जाएंगे, तो 24 + 8 लेके कितना होगा, 24 + 8 32 घंटे खत्म हो गए, और रात के कितने बज गए, 24 और 8 माने ये हो जाएगा 12:12 AM सैटरडे के बाद संडे, अभी 32 hours गए हैं, अभी कितना और जाना है, 1 घंटा 37 मिनट अभी और जाना है, क्योंकि 32 घंटे में गए हैं, 1 घंटा और जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1:12 PM 70 मिनट और जाएंगे, तो 1 में 12 जोड़ कितना हो जाएगा, तो टोटल जो समय होगा आपका वो हो जाएगा 1:29 AM संडे। ठीक, कितने बजे पूछेगा वो, 1:29 AM संडे को, हम पहले 24 घंटा जोड़े। ठीक, 24 घंटा जोड़ने के बाद क्या, हमने 8 घंटा जोड़ा, 12 बजा, आराम क्रम से चल रहे ताकि आपको समस्या, AM पहुंच जाएगा, रात 12 के बाद तुरंत AM हो जाएगा ना, मैंने इसलिए पहले बता दिया, रात 12 के बाद AM हो जाएगा, और जैसे AM होगा दिन भी अगला हो जाएगा स्टार्ट। ठीक, 1:17 कहाँ पे, 1:17 जोड़े ना, तभी 12 के बाद 1:17 में जोड़ दिए, 24 घंटे। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम इसे और सरल कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा, अच्छा चलिए ध्यान सुनिएगा, एक बार और समझा रहे दोबारा। ठीक है, देखिए फ्राइडे 4:12 से चला 33 घंटे जाने हैं, अगर 24 घंटे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, क्लियर, कितना हो जाएगा ये, 4:12 PM
24 घंटे क्या 33 घंटे में से भी, कल 33 घंटे है, 33 घंटे में से हमने कितना पहुंचा दिया इसे 24, कितना पहुंचा, अभी कितना जाना और बाकी है 7 घंटे 17 मिनट और ले जाना है, ठीक। तो 4:12 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 घंटे होगा ना, 9 घंटे तो 9 जोड़ेंगे तो 4 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, हाँ 8 और 1 9, अभी 4:12 हो रहा है, इसमें 9 घंटे जोड़िए कितना हो जाएगा, अभी 4 में जोड़िए 5 6 7 8 9 10 11 12 1, एक कितना हो गया 1 बज गया, 70 मिनट और जोड़ेंगे तो 12 में 17 दिन कितना हो जाएगा 1:29 AM, और दिन कौन सा होगा संडे, नहीं आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 4 में 9 घंटे जोड़ेंगे 1 बज जाएगा, 12 में 70 मिनट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 1:29 कोई समस्या यहां तक आपको, कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है औसत चाल वाला, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन और लेंगे, जैसे कभी कोई जब बस चलती है बीच बीच में ब्रेक लगता है, ठीक है, जैसे बस रवाना हुई बीच बीच में ब्रेक लेकर गई, फिर उसे गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगा, या घोड़ा जाता है बीच में रुकता हुआ जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इतना तो महान कृपा कर सकते हैं आप, शेयर करने के लिए इसलिए कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मैराथन क्लास की ज़रूरत है और बहुत सारे दूसरे चैनल को पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी वजह से उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और आपने उनके लिए कुछ बेहतर कर दिया हो, वैसे आपकी इच्छा, हम जानते हैं आप हमारे कहने से नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए हम जानते हैं चाल बराबर समय, देखिए कुछ रूल होते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, ही होगा ना, क्या निकालना हमने, दूरी, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक ठीक। और कभी कभी पूछता है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर, ये पूछता सीटेट में, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, यात्रा में लगा कुल समय, संख्या बहुत कम है, मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, शेयर कर देता आप लोग के पास पहुंच गया होता, ठीक ठीक है, आगे बढ़ा जाए, लिखिएगा रोमी रोमी अपने घर से प्रातः 7:29 पर 29 मिनट पर जौनपुर से लखनऊ के लिए गई 7:29 पर जौनपुर से लखनऊ के लिए गई, और वह लखनऊ
जाकर वापस आने में, जाकर वापस क्वेश्चन टफ हो जाएगा, वह लखनऊ कितने बजे बोले थे सुबह? 7:30 वह शाम 10:29 पर लखनऊ अर्थात अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं शाम को, पीएम कर सकते हैं, 10:29 पीएम पर पहुंची। यदि जौनपुर से लखनऊ की कुल दूरी 360 किलोमीटर हो, 360 किलोमीटर हो, 360 किलोमीटर हो, 360 किलोमीटर हो, तो इस यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो इस यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो इस यात्रा की औसत चाल क्या होगी? ठीक, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए। लगभग एक घंटे की क्लासेज आपकी हो गई, इसको सॉल्व करते रहिए। आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? इसको सॉल्व करिए। 24 आवर्स सब लोग उत्तर बता रहे हैं, आप भी बताइए, ठीक है? 24 आवर्स ना, यहाँ पे UPTT के नोट्स भी उपलब्ध हैं, अगर आपको चाहिए नोट्स ऑनलाइन क्लास तो सब ले सकते हैं। और एक दिन हम बताएंगे एप्लीकेशन, और हाँ, अपने प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, दो एप्लीकेशन है, दोनों इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, यात्रा की कुल दूरी कितनी निकली? कुल दूरी, ठीक, कुल दूरी कितनी है भैया? सुबह वह 7:29 AM से चलना प्रारंभ किया, शाम को 10:29 PM पर पहुंचा, तो 7:29 से शाम के 7:29 तक 12 घंटे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, कुल कितने लगे? 15 आवर्स यात्रा में लगा कुल समय बराबर 15 आवर्स। हम जानते हैं औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। दूरी कितनी है? 360 आवर्स। समय कितना लगा? 360 किमी है ना, किमी 15 आवर्स, ये कट गया 24 किलोमीटर प्रति आवर्स। यदि मीटर पर सेकंड में पूछता तब किलोमीटर प्रति घंटा से, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? छोटे बड़े छोटे में जाएंगे तो गुड़े 5/18 करेंगे। जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तब 5/18 से गुणा करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड से आप किमी प्रति हावर्स में जाएंगे तो हो जाएगा, आपको गुणा करना होगा 18/5। ये कैसे आया? ये हम लोग UPTT और SuperTT की बैच में पढ़ेंगे। कहाँ से आया ये 5/18? कहाँ से आया? 1000, एक किलोमीटर में 1000, एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 1000/3600 करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। बस देख लीजिए एक बार आप लोग, ये प्रोसेस इतना देख लीजिएगा, तो भी इतना देख लीजिएगा। हाँ, आपको ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग पूछना, चलिए देख लिए ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास संबंधी सारी डिटेल आपको वहाँ से दे दी जाएगी, ठीक। और ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी खासियत है आपको पूरी मैथमेटिक्स दो दो तीन तीन अध्यापकों द्वारा और हर एक को तीन तीन सब्जेक्ट्स को पढ़वाएंगे ताकि आप हर हाल में अगर हमसे जुड़े तो क्वालिफाई होकर जरूर जाएँ, ठीक। हमारा उद्देश्य है कि परिणाम बेहतर है और आप हमें पहले से जानते हैं, और हम आपको लास्ट में मैराथन क्लास देंगे, गेस्ट पेपर मिलेगा, ऑनलाइन 25 टेस्ट मिलेंगे आपको, और PDF में सभी नोट्स मिलेंगे। वैसे भी केवल नोट्स भी आप ले सकते हैं, केवल वीडियो लेक्चर भी ले सकते हैं, सब यहाँ तक। कोई समस्या अगर आपके पास हो तो बताएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया जी, आपका बड़प्पन है और हम पढ़ा रहे को समझ में आ रही है, बहुत बड़ी बात है। एक विश्राम करने वाला होता है क्वेश्चन, वो आपके सीटेट में नहीं पूछता, वो PTT पूछा जाता है, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं करा रहे हम।
ठीक है, मैथमेटिक्स तो सर पूरी रटी रटाई है, आप लोगों का साथ देंगे तो इसे पूरा वाच दिया जाएगा, पूरी मैथमेटिक्स एक बार फिर बता दें। चलिए एक बार फिर देखिए, 7:29 से 10:29 तक जाने में कुल 15 घंटे समय लगे, एक दिन में मिनट कितने घंटे, अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी बता दे रहे हैं, चलिए क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं आपको, ये हो गया। तो हमने क्या निकला, कुल 15 घंटे लगते हैं और दूरी कितनी, 360 बटे 15 करेंगे कट के 24 आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 मिनट 18 से गुणा कर देंगे बस, जितना आएगा उत्तर वही होगा, हाँ सही बटन आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहां तक, यार खड़े खड़े पैर दर्द होने लगता है, अभी पढ़ाएंगे एक टॉपिक और है, एक सवाल और पढ़ा दें, चलिए सारे कोर्स वगैरह फीस आपको इसी नंबर बताएंगे भैया, 6306344367। इसमें क्या होगा, पहले आपको बता दें यूपीटी टीम क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी, सबसे बड़ी चीज़ है आपको पूरा आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वो भी हम प्रयास करेंगे आपको 2 से 3 जैसे जो टफ सब्जेक्ट हैं उन्हें 2 से 3 टीचर आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट हम लोग कराएंगे, फिर इसकी आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ठीक। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद हम लोग वीकली टेस्ट देंगे आपको, वीकली टेस्ट आपको हम अगस्त से शुरू कराएंगे क्योंकि अभी आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद आपको 25 ऑनलाइन टेस्ट हम उपलब्ध कराएंगे इसी में, इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है तो अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको डाउट सेशन रहेगा, आप अप्लीकेशन से जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी समय अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप उसे डायरेक्ट हमें मेल करेंगे, मैसेज करें, उसका अप्लीकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, अध्यापक 24 घंटे के अंदर आपको आपके प्रश्न का जवाब देंगे, और खासकर वो प्रश्न हमारे नोट से या हमारे प्रैक्टिस सेट से होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं टेट का और क्वेश्चन साल पर लाते हैं यूपीएससी का और एसएससी सीजीएल की मैथ लाते हैं, तो आपको वही पढ़ना है जो आपको सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, उसमें भी कई चीज़ें फैसिलिटीज हैं आपको, आप ब्रांच की दिक्कत नहीं, किसी भी जगह पूरे प्रदेश में कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जिस दिन आप विद्यालय नहीं जाते, कोचिंग नहीं जाते, उस दिन भी आप क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, एक वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, ठीक, जब तक आपकी इच्छा जब तक समझना है। चलिए क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्या नाम है, सुचिता, एक बस से, एक सब काट के लिखिए, एक बस 400 किलोमीटर की दूरी, एक बस 400 किलोमीटर की दूरी, एक बस 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है, यदि वह प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यदि वह प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 25 मिनट का विश्राम लेती है, 25 मिनट का विश्राम लेती है, 25 मिनट का विश्राम या 25 मिनट का स्टॉप लेती है, तथा वह यदि यदि 10:28 AM पर प्रस्थान करे तो, यदि बस 10:28 AM पर प्रस्थान करे तो
अपने गंतव्य पर कितने बजे पहुंचेगी, तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी। ठीक, बहुत ही आसान तरीका, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्थान के बीच की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चलाता है और प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 25 मिनट का विश्राम लेता है, और प्रत्येक 100 किलोमीटर पर कितना 25 मिनट का विश्राम लेता है। यदि वह 10:28 पर चलना एएम पर प्रस्थान किया हो तो कितने बजे पहुंचेगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लगाइए मजा आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं, प्रश्न आप सॉल्व करिएगा। यह क्वेश्चन CTT, UPTT, UPTT, SuperTT तीनों के लिए बहुत मजेदार बेहतर है। डायरेक्ट ही समझाते साथ समझ में रहा था, लेकिन अब अगर आप प्रोसेस समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आप पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप अभी नए आए हैं तो अगर आपको बेहतर लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे बाकी यह काम तो दूसरे चैनल वाले पूरा ही कर देते हैं, मेरा पहले ही कहते हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हम सब कभी कहते नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। हो गया, आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो हम तो हैं आपके लिए। इसको एक बार हम दोबारा समझाते हैं आपको, ठीक है, पूरा ध्यान से। हमने क्या देखा, कुल दूरी कितनी है 400 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय पता नहीं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 400 किलोमीटर, बस की चाल 50। तो अगर बस बिना रुके जाती तो उसे कुल कितना घंटा लगता, 8 घंटे लगते। सिर्फ समझ में आया, दूसरी बात। लेकिन कह रहा है प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पे क्या करता है, विश्राम लेता है। तो क्या करेंगे, कुल दूरी बटे विश्राम वाले दूरी से भाग देंगे और सदैव माइनस एक करेंगे। तो 400 बटे 100 करेंगे तो माइनस एक बराबर 4, माइनस एक 3, और 3 बार विश्राम करेगा। और एक बार विश्राम करने में 25 मिनट का समय लेता है, तो 3 बार विश्राम करने में 75 मिनट का समय लेगा। तो 75 माने 1 घंटा 15 मिनट, ऐसे वो लेता 9 घंटा 8 घंटा, तो हो जाएगा 9 घंटा 15 मिनट। पैसे ले रहा था 8 घंटे ना, तो जुड़ जाएगा ये प्लस 8 घंटे, तो कुल समय कितना लेगा, 9 घंटे 15 मिनट। यदि 10:28 एएम पे उसने अपनी रेस शुरू की थी, चलना प्रारंभ किया था, तो 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 28 में 15 जोड़ेंगे 43, तो 7:43 PM पर वो अपने गंतव्य पर पहुँच जाएगा। अगर इसे डायग्राम से समझना चाहते तो देखिए, इसे समझते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तक, यहाँ हो गया 0, ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400। पहली बार वो कहाँ रुकेगा, 100 किलोमीटर पे एक बार, दूसरी 200 पे, तीसरी 300 पे। यहाँ 25 मिनट, यहाँ 25 मिनट, यहाँ कुल कितनी में 75 में, तो चौथी बार तो पहुँच जाएगा अपने गंतव्य तक। तो इस प्रकार कुल कितना 75 मिनट लिया ना, इसलिए सदैव माइनस एक करते हैं। देख लीजिए, नीचे नहीं दिख रहा हो आपको, तो अब अगर किसी को समस्या हो तो हमें बताएं। अगर अब भी किसी को समस्या जन्म ले रही हो, समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो हमें बताएं, हम पूरा मदद करेंगे। लेकिन आप शेयर नहीं करेंगे, हमें पता है। लेकिन इससे बेहतर क्लास आपको मैराथन में कहीं नहीं मिलेगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या दोबारा भी आप देख सकते हैं, अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो एक दिन में जितना जल्दी हमने खत्म किया, इतना जल्दी टॉपिक खत्म नहीं होता। लेकिन यही है कि आप लोग का समय नुकसान ना हो, और हमने भी मेहनत की, आपने भी मेहनत की, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। आप लोगों ने काफी लंबा क्लासेस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली मेहनत करते रहिए, हम तो साथ हैं आप लोग के। चलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका जवाब देंगे। एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। एक घंटे में कितना सेकंड, 36। एक घंटे में कितना सेकंड, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड में पूछती है, पूछता है एक घंटा में कितना सेकंड भैया, तो हम जानते हैं एक घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड बराबर 3600 सेकंड, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे 360 कौन बताया था, यहाँ भी कोई बता दिया था। ठीक, आगे बढ़े। चलिए बताइएगा, एक दिन में कितना मिनट, एक दिन में
एक दिन में कितना मिनट हम जानते हैं, एक दिन बराबर 24 आवर्स, और 24 घंटे में कितना मिनट, 24 गुणे 60, और 24 एक दिन में कितने सेकंड, एक दिन में कितने सेकंड, अरे घुड़ा करना भैया, लड्डू रख दीजिए, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 ये इतना मिनट हो गया, एक दिन में 1440 मिनट। एक दिन में सेकंड पूछेगा तो एक दिन में कितना मिनट, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये यार घुड़ा करिए जो आएगा सेकंड में होगा। अब ये मत कहिए घुड़ो करके दिखाइए भैया, ये तो मिनट निकलेगा नहीं घंटा, सेकंड निकलेगा, एक दिन में कितना सेकंड, ठीक समझ में आ रहा है? अरे अब नहीं आएगा तब कब आएगा भगवान, इससे कहने बताइए। अब अगला क्वेश्चन पूछे, एक हफ्ता में कितना मिनट, एक सप्ताह में, हफ्ता में 8 दिन होता है, एक सप्ताह में कितना दिन, एक सप्ताह में कितना मिनट, एक सप्ताह में कितना मिनट, एक सप्ताह में कितना मिनट, चलिए इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा आप, ठीक है अब यहाँ तो बताएंगे नहीं, एक सप्ताह में कितना सेकंड भैया, एक एक सप्ताह में 7 दिन तो 7 करेंगे, हाँ ठीक हाँ ठीक भैया, एक हफ्ते में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, और एक दिन में कितना 24 घंटे, 7 गुणे 24, एक दिन में सेकंड मिनट पूछेगा गुणे 60, सेकंड पूछेगा फिर आओ गुणे 60, बस ठीक। अगर इससे सरल अगर गणित आती हो तो बताएं आप, ये सीटेट में इसे पूछता क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक सौम्या वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस ये है कि आप इसको शेयर कर देंगे तो हम आपके जनपद में पहुंच जाएंगे, जिस जनपद से आप लोग हैं उस जनपद में भी लोग जान जाएंगे हम गणित बेहतर पढ़ाते हैं अथवा नहीं, पर्यावरण बेहतर पढ़ाते हैं नहीं, इसके पहले हमने यूपीटेट की पर्यावरण स्पेशल क्लास लगाई थी, शायद वो आपको भी मिल गया होगा, मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला होगा तो टाइम पढ़ा दिया, क्या टाइम खत्म हो गया भैया, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चल गई, अभी आप लोग किस दुनिया में हैं, समझ में आ गया? चलिए अब अगर आपको कोई समझ में नहीं आया जो कॉन्सेप्ट मुझे भूल गया होगा पढ़ाने में बता दीजिए, हम उसको पढ़ा दें, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम किताब से तो पढ़ाते नहीं, ठीक। और आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेज UPTT SuperTT की उपलब्ध है, और डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह हम आपको उपलब्ध हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी समस्या मुझे वहाँ अवगत करा सकते हैं।